Children, let's begin with chapter number 52, Branches of Science. Read the description of each branch of science. Unscramble the letters to identify it. तो यहाँ हमें कुछ क्लूज दिए हैं और हमें जंबल वर्ड्स दिए हैं. इन्हें हमें अनस्क्रैम्बल करना है और करेक्ट वर्ड बनाना है. चिल्ड्रन सी द फर्स्ट वन. अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट फोकसेस ऑन वेदर फोरकास्टिंग. सो ये है मीटीओर, मीटियोरोलॉजी. सी द सेकेंड वन. The branch of science that deals with the interaction of nutrients and other substance of food in relation to health. क्योंकि इसमें word nutrients का use हुआ है, so this is nutritional. nutritional. See the third one, children. A branch of science that studies plant life. तो ऐसी science जिसमें हम plants को study करते हैं वो होती है बॉटनी. एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन इट, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, कॉमेट्स एंड ब्लैक होल. नाउ सी दिस वन. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट. तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. एंड अर्थ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सिमिलर सब्सटेंस दैट मेक्स अप द अर्थ सर्फेस. इसको बोलते हैं जियोलॉजी. The branch of biology that studies the animal kingdom, its structure, evolution, etc. तो जो plant life से deal कर रही थी वो थी botany, और जो animal life से deal करती है उसे हम बोलते हैं zoology. And last, the branch of science which studies the physical and biological aspects of ocean, that is ओशनो, ओ सी ई ए एन, ओशनो ग्राफी, जी आर ए पी एच वाई, ओशनो ग्राफी.